कहानी की शुरुआत होती है कुमार महाजन से। कुमार महाजन अपनी कार से कहीं जा रहा होता है, तभी उसे किसी का कॉल आता है। वह कॉल पे कहता है कि उसे भगवान पर विश्वास नहीं है और उसकी तकदीर उसी के हाथ में है। तभी उसका अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम कुछ महीने पीछे चलते हैं, जहां उसके ऑफिस का स्टाफ कुमार को एक स्वामी जी के पास ले जाता है, जो कि भविष्य बताते हैं। पहले तो कुमार को स्वामी जी पे विश्वास नहीं होता, उसे लगता है कि स्वामी जी ढोंग कर रहे हैं। लेकिन स्वामी जी उसे विश्वास दिलाने के लिए पहले उसका अतीत बताते हैं, जिसमें कुमार की बहन ने किसी दूसरे रिलीजियन के लड़के से भागकर शादी कर ली थी। वे यह भी बताते हैं कि कुमार का एक भाई था जो घर में चोरी करके वहां से चला गया था। स्वामी जी की ये बातें सुनकर कुमार उनके सामने हाथ जोड़ लेता है, यानी उसे स्वामी जी पर विश्वास हो जाता है। वह काफी जिज्ञासु हो उठता है, उसे अपना भविष्य जानना था। वह स्वामी जी को अपना भविष्य बताने के लिए कहता है। स्वामी जी उसका हाथ देखते हैं। कुमार का हाथ देखकर स्वामी जी असमंजस में पड़ जाते हैं। वे कुमार को बताते हैं कि उन्होंने यह हाथ पहले भी देखा है। कुमार और उसका दोस्त चौंक जाते हैं, क्योंकि कुमार पहली बार स्वामी जी के पास भविष्य जानने आया था, यह कैसे हो सकता है। लेकिन स्वामी जी अपनी बात पे अटल रहते हैं। वे उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि वह स्वामी जी को परखने के लिए फिर से अपना भविष्य जानने के लिए वहां आया है। स्वामी जी और कुमार के बीच बहस हो जाती है। स्वामी जी इस बात को साबित करने के लिए उसे थोड़ा वक्त मांगते हैं। वे लोग स्वामी जी का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद स्वामी जी एक कुंडली लेकर आते हैं और वे बताते हैं कि उसका हाथ सुदर्शन चक्रपाणी से मिलता है। स्वामी जी ने सुदर्शन चक्रपाणी को उसका भविष्य नहीं बताया था और अब वे कुमार को भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वे अपनी पुरानी गलती दोहराना नहीं चाहते। उसने जो गलतियां की है वह तुम भी करने वाले हो, इतना कहकर वे दोनों को वहां से चले जाने को कहते हैं। कुमार स्वामी जी को भला बुरा कहकर वहां से चला जाता है। कुमार स्वामी के पास लाने वाले अपने दोस्त को बहुत ही भला बुरा कहता है। तभी कुमार की पत्नी का कॉल आता है। वह बताती है कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और फौरन उसे पैसों की सख्त जरूरत है। वह अपने किसी दोस्त से पैसे मांगकर अपने बेटे का इलाज करवाता है। अगले दिन वह ऑफिस में काम कर रहा होता है कि उसके बॉस उसे आकर किसी टेंडर में फ्रॉड के लिए नौकरी से निकाल देते हैं। वह नौकरी छूट जाने से काफी परेशान हो जाता है। उसका वही दोस्त फिर से आता है और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए फिर से स्वामी जी के पास चलने को कहता है। कुमार गुस्से में उसके साथ चल देता है। वहां वे देखते हैं कि स्वामी जी के कमरे में ताला लगा हुआ है। फिर स्वामी जी का मैसेज आता है कि उन्हें कुमार का भविष्य पता है, फिर भी नहीं बताएंगे, वे उन्हें ढूंढने की कोशिश न करें। कुमार को इस बात पे और भी गुस्सा आ जाता है। अब कुमार सुदर्शन चक्रपाणी से मिलना चाहता है, क्योंकि उसका अतीत ही कुमार का भविष्य है। वह सुदर्शन चक्रपाणी की तलाश में अपने दोस्त के बताए हुए पते पर निकल जाता है। वह उस पते पर पहुंचता है, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं मिलता। तभी उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति आवाज लगाता है और वह बताता है कि सुदर्शन चक्रपाणी पहले अपने परिवार के साथ यही रहता था। उसने कंपनी में कुछ फ्रॉड किया था, तब से वह नौकरी छोड़कर कोल्हापुर चला गया है। इतना सुनते ही कुमार के मोबाइल में उसके दोस्त का कॉल आता है। वह बताता है कि उसके बॉस ने उसे माफ कर दिया है और उसका ट्रांसफर कोल्हापुर हो गया है। कुमार यह बात सुनकर चौंक जाता है। वह घर जाकर अपने ट्रांसफर की बात अपनी पत्नी को बताता है। वह नाखुश है, क्योंकि वह अकेले जाना चाहता है। तभी उसकी वाइफ वहां जाने से पहले एक गुरुजी से मिलने की बात कहती है, जो चेहरा पढ़कर भविष्य बताते हैं, ताकि उसके दूर रहने पर वह अपने घर की स्थितियों को संभाल सके। कुमार वहां जाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। अगले दिन वे गुरुजी के घर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी होती है। कुमार सोच में पड़ जाता है कि चक्रपाणी से मिलने का रास्ता हर बार उससे दूर हो जाता है। अगले दिन वह कोल्हापुर पहुंचता है और वहां अपने ऑफिस के घर में रुकता है। उसे बार बार यह एहसास होता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है।
उस घर की खिड़की से एक और सुंदर सा घर दिखाई देता है जो कि उसके ऑफिस वाले नौकर का है। वह बॉस से उस घर में रहने की जिद करता है और वे तैयार हो जाते हैं। एक रात वह चलते चलते एक खाई की ओर जा रहा होता है कि तभी उसका नौकर उसे बचा लेता है। वह कुमार को बताता है कि एक और आदमी भी उस गाँव में रहता था जिसके साथ भी यही हादसा हुआ था। अगले दिन वह उस घर में शिफ्ट हो जाता है। कुमार उस गांव में हर जगह सुदर्शन चक्रपाणि की तलाश करता है लेकिन उसे कोई खास जानकारी नहीं मिलती। एक दिन एक आदमी आता है और उसे चक्रपाणि के बारे में बताता है। चक्रपाणि ने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे जिसे उसने आज तक नहीं चुकाया था। वह उसे बताता है कि सुदर्शन चक्रपाणि इंपीरियल वुड्स नाम की कंपनी में काम करता था। वह वहां जाकर उसके बारे में जानकारी ले सकता है। कुमार अपने ऑफिस वाले दोस्त से सुदर्शन चक्रपाणि के बारे में पता लगाने को कहता है। वह बताता है कि उस आदमी का कहना ठीक है, वह उसी कंपनी में काम करता था और वह उसी घर में रहता था जिस घर में वो आज रह रहा है। अगले दिन वह घर आता है और कुछ दिन बाद अचानक से चक्रपाणि की तलाश में निकल जाता है। वह चक्रपाणि के ऑफिस जाता है, वहाँ मैनेजर से मिलता है। मैनेजर उसे बताता है कि उसके ऑफिस का वर्कर रामचंद्र उसे इस बारे में जानकारी दे सकता है। कुमार रामचंद्र से मिलता है, वह उसे सुदर्शन चक्रपाणि का पता बताता है लेकिन रामचंद्र को एक गाड़ी वाला ठोक कर चला जाता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अगले दिन वह सुदर्शन चक्रपाणि की तलाश में उसके बताए हुए पते उस सूने मकान में पहुंचता है जहां सुदर्शन चक्रपाणि के मिलने की संभावना होती है और अंततः उसे सुदर्शन चक्रपाणि मिल ही जाता है। कुमार उसे बताता है कि वह उनसे ही मिलने आया है और वह उसे स्वामी जी के बारे में याद दिलाते हैं कि उन्हें भी उसने भविष्य बताने से मना कर दिया था। कुमार कहता है कि उसके साथ जो भी जिंदगी में हो रहा है वह सारी घटनाएं सुदर्शन के साथ भी हो चुकी है। वह सुदर्शन का अतीत जानना चाहता है ताकि वह अपने भविष्य को सुधार सके। सुदर्शन कहता है कि वह कुमार का भूतकाल जानना चाहता है, अगर उनमें समानता हुई तो ही वह अपना अतीत उसके सामने रखेगा। कुमार अपने साथ हुई सारी घटनाएं सुदर्शन को बताता है। फिर सुदर्शन को यकीन हो जाता है कि वह सब कुछ सच कह रहा है। सुदर्शन बताता है कि उसकी बेटी शक्ति का एक लाइलाज बीमारी से निधन हो गया है और कुमार के बेटे की भी एक एक्सीडेंट से मौत हो चुकी होती है। वे लोग इस तर्क पर पहुंचते हैं कि कोई ऐसी वजह जरूर है जिसके कारण दोनों की हस्तरेखाएं एक जैसी है, इसलिए उनकी किस्मत एक जैसी है। कुमार कहता है कि उसकी तकदीर चाहती है कि वह अपने भविष्य को जान ले, इसलिए वह आज चक्रपाणि के सामने खड़ा है 33 साल पुराने उसके भूतकाल को जानने के लिए। चक्रपाणि उसे अपनी डायरी दिखाता है जिसमें उसने अपने बीते हुए कल के हर एक दिन की बातें लिखी हुई है। चक्रपाणि उससे वादा लेता है कि उसे एक साथ उस डायरी को नहीं पढ़नी है, उसे हर दिन एक पन्ना पढ़ना है, यानी कि कल का भविष्य उससे एक दिन पहले वाली रात को, उसे एक दिन पहले आने वाले कल का कर्म तय करना है क्योंकि किस्मत से कभी कर्म नहीं बनता, कर्म से ही किस्मत बनती है। इतना कहकर वह कुमार को सारी अपनी डायरियां सौंप देता है। वह कुमार से कहता है कि जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा। परिणाम पता होने के बावजूद भी कुमार उसे टाल नहीं सकता। चक्रपाणि उसे बताता है कि उसे कुछ असमान विद्याएं प्राप्त है जिससे वह कुमार के मन की बात जान सकता है, वह उसे धोखा देने की कोशिश न करे। इसके बाद कुमार सारी डायरियां लेकर वहां से चला जाता है। वह घर पहुंचकर सारी डायरियों को छुपा देता है। वह फिर अपने पुराने ऑफिस जाता है जहां उसे एक ब्रांच का डिविजनल इंचार्ज बना दिया जाता है। वह उस ब्रांच में शिफ्ट हो जाता है। वहां उसे पहले दिन एक टेंडर पास करने के लिए पैसे मिलते हैं लेकिन वह उस टेंडर को पास नहीं करता क्योंकि उसे अपना भविष्य पता था। वह हर दिन डायरी पढ़ता है और अपने भविष्य को बदल देता है। अगले दिन कुमार की पत्नी उसके नए ऑफिस वाले जगह पे आने वाली होती है उसे बिना बताए, लेकिन कुमार को पहले से ही डायरी पढ़कर पता चल जाता है। उसी रात कुमार कल का भविष्य जानने के लिए डायरी उठाता है लेकिन यह क्या, उसमें सिर्फ एक ही वाक्य लिखा होता है जिसे देखकर वह चौंक जाता है। उसकी जिंदगी में एक नई औरत आने वाली है और सीजन 1 यहीं समाप्त हो जाता है। अब कुमार के साथ क्या विचित्र घटनाएं होने वाली है, इसके लिए इंतजार करिए सीजन 2 का।